वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं गणेश सर, आज मैं आपको सीआई का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको चार क्वेश्चंस बताया जाएगा। चारों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्ट थर्ड वीडियो में आपको टाइप फाइव और टाइप सिक्स, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर पीछे का वीडियो में बता दिया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। सीआई की दर से दो वर्ष में 2400 रुपया, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में 2400 रुपया हो जाते हैं और तीन वर्ष में 2520 रुपया हो जाते हो, दर निकाले। इससे पीछे भी क्वेश्चन में भी दर ही निकालना था, लेकिन क्वेश्चन टाइप चेंज था, तो यहाँ पर दर कैसे निकलेगा तो समझते हैं। दो वर्ष में आपका क्वेश्चन में बता रहा है कितना रुपया, 2400 रुपया, और उसके बाद बता रहा है कि तीन वर्ष में 2520 रुपया हो। तीन वर्ष में कितना रुपया, 2520, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक साल बढ़ा है, तो एक साल में कितना रुपया बढ़ा, तो 120 रुपया। और आप लोग जानते होंगे एक साल का सीआई और एक साल का एसआई बराबर होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट मूलधन जो होता है वही आपको आगे चल करके अगला साल में मूलधन बढ़ जाता है सीआई के केस में, लेकिन अगर एसआई का केस रहता है तो मूलधन नहीं बढ़ता। क्यों बढ़ जाता है सर? क्योंकि सीआई में ब्याजों का ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में ब्याजों का ब्याज नहीं लगता, तो जो मूलधन एक बार हो जाता है वही मूलधन हमेशा रहता है साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन चेंज होते रहता है। उसी तरह से एक साल में कितना हो गया, 120 रुपया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2400 रुपया जो 2520 हुआ, तो कहीं ना कहीं 2400 रुपया का सूद मिला है, 120 रुपया टोटल। तब हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर एसआई बराबर शॉर्टकट में फॉर्मूला पीआरटी बटा 100, यानी साधारण ब्याज एक साल का, तो 120 रुपया ब्याज है, तो 120 रुपया, तो 120, और मूलधन कहीं ना कहीं काम करेगा 24। आर निकालना है तो आर जीव करते हुए रहेगा, ठीक है, साल में बढ़ा ब्याज एक साल में, तो बटा 100, दो जीरो से दो जीरो आप काट सकते हैं, 24 पच्चे 120, यानी आर इजकल टू आपको 5% बिल्कुल आ चुका है, रेट आसानी से निकल गया। समझ में आ रहे हो बातों को? अगला क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम्पल्स दिया गया, तो समझिएगा। सीआई पर कोई धनराशि दो वर्ष में 2420 रुपया, यानी दो साल में कितना हुआ, 2420 रुपया हुआ, और आगे दिया गया होगा तथा तीन वर्ष में दिया हुआ होगा, तीन वर्ष में 2660 रुपया, 2660 रुपया। तो आप यहां से ध्यान दे सकते हैं कितना बढ़ा है, तो यहां पर आपको 40 बढ़ा है और यहां पर आपको 240, यानी एक साल में 240, तो वही फॉर्मूला एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, तो 240 बराबर 242 जीरो गुने आर गुने टी आपको एक साल बटा 100। अब यहां से आसानी से काट सकते हैं, जीरो से जीरो काट लीजिए और आप यहां से तिरछा तिरछी करके आर का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात को समझ में आ रही है? कैलकुलेशन तो आपको आसानी यहां से कर सकते हैं, काट करके निकाल सकते हैं, दो से पांच से काट करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस चीजों को आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ क्वेश्चन टाइप सिक्स में क्या है, टाइप सिक्स में, टाइप सिक्स में क्या है, 1000 रुपया की राशि है, 10% वार्षिक दर से दो वर्ष में मूलधन कितना होगा, सीआई पर है, साधारण ब्याज नहीं है, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 निकाल देंगे, तो सीआई पर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मिश्रधन पूछे, क्या पूछे, मिश्रधन, तो मिश्रधन को हम लोग स्विच करते ए से, तो जो भी मूलधन है मूलधन को लिख देते हैं, और आपका मूलधन 1000 रुपया, 10% को आप इस तरह से लिखिएगा, 10 रहेगा तो 110, 15 रहेगा तो 115, 20 रहेगा तो 120, 5 रहेगा तो 105, तो 1000 गुने क्या हो जाएगा, 110 बटा 100, और जितना साल का केस हो उतना बार लिखना होगा आपको, तो 110 बटा 100, दो बार क्यों लिखे सर, दो साल का केस, अगर तीन साल का रहेगा तो कितना बार लिखना होगा, तीन बार लिखना, चार साल का केस रहेगा तो चार बार लिखना होगा। यहाँ पर कट जाएगा इस तरह से, दो जीरो यहां से भी कट जाएगा, 121, यानी 1210 रुपया आपका आसानी से आंसर निकल चुका है, यानी कि आपको 1000 रुपया की राशि 10% दो साल बाद मिजन कितना मिलेगा, 1210 में। मिजन किसको बोलते हैं, सूद ब्याज मूलधन सब जोड़ करके ऐड कर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो 5000 गुने 108 बट्टा 100 गुने 108 बट्टा 100 गुने 108 बट्टा 100। अब यहाँ पर तीन बार क्यों लिखे सर, अब कुछ चीजों को बात अच्छी से समझने आ जाए, कि अगर टाइम कितना वर्ष दिया हुआ है, टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है, तो तीन बार गुना करेंगे, अगर टाइम 4 साल दिया रहता तो क्या करते, 4 बार गुना। अब यहाँ से आसानी से दो जीरो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, अब इसको काट दिए 27 से और इसको काट दिए 25 से, इसको भी काट दीजिए 54 से,
इसको कर दिए 5 से, अब ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा तो गुना करके आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो भी आए पॉइंट में आंसर वही आपको लिखा लिख दिया जाएगा। तो आप समझ में आ रहा होगा, भली बात। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप पर, सीआई का ही पार्ट टाइप, पार्ट ए आपका 3 था, पार्ट 4 वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स करना ना भूलें। थैंक यू।